आप तो स्किलिंग और एजुकेशन और मीडिया एंटरटेनमेंट के आप पायनियर रह चुके हैं, और आज के जो माने में जिस तरह से जो मीडिया एंटरटेनमेंट का प्रचार प्रसार हुआ है, जैसे तरह डिजिटल व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, एआई बढ़ रही हैं, कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहे हैं, उस वजह से मीडिया एंटरटेनमेंट में स्किलिंग और आगे लाने के लिए आपके हिसाब से हमें और क्या करना चाहिए, और उसमें आप हमें कुछ सुझाव दें। सबसे पहले तो अतुल जी और आप सबको, पूरी टीम को, सिद्ध की टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो इनिशिएटिव आपने लिया है स्किल इंडिया डिजिटल हब का, ये अपने आप में एक यूनिक है। ये बच्चों को कैसे एजुकेशन से, मीडिया और एंटरटेनमेंट से लेकर उनके एम्प्लॉयर्स तक, उनके जॉब तक उनको जोड़ेगा, ये आपने पूरा जो फॉर्मेट बनाया है वो मुझे बहुत पसंद आया। जैसे उसकी बात मैं कहूँगा, बहुत सोच समझ के किया गया है, और इस तरह का इनिशिएटिव पहले कभी नहीं सोचा गया। और सिद्ध की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अब मुझे बहुत होप है, पहले भी होप थी, आज और डबल होप है कि हमारे आने वाले बच्चे इसका बहुत फ़ायदा उठाएंगे। इन्होंने जो ऐप बनाया है आपने, उससे ऐप अपने बच्चे को, अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को बता सकते हैं, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, उनको लर्निंग के लिए, प्रायर लर्निंग के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपने दी हैं। आपकी सरकार को बहुत बहुत मुबारक, आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत मुबारक कि इस तरह से वो मीडिया और एंटरटेनमेंट में इतना दिलचस्पी ले रहे हैं, ताकि हमारा भारत सॉफ्ट पावर भी बने, दुनिया में हम लोग अपनी कहानियाँ भी बता सकें, दुनिया को हम बता सकें कि भारत क्या है, भारतीयता क्या है, और ये इसकी जो विविधता है उसके अंदर एकता क्या है, सब तरह की कहानी हम बता सकते हैं। लेकिन ये सब इनिशिएटिव जो हैं आपके सिद्ध जैसे, ये बहुत आवश्यक थे, पहले से थे, और आज आपने इसको एक नया रूप दे के, एक नया, नई आशा, मतलब आप दिशा ही दिखा दी आपने। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका, थैंक यू।